आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन सुनवाई एवं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा। शिकायती पत्रों को जल्द से जल्द निस्तारण के दिए निर्देश। महुआ टावर चौकी इंचार्ज के द्वारा एक युवक को थप्पड़ मारना पड़ा महंगा। सीसीटीवी में घटना हुई कैद। सीसीटीवी फुटेज हुआ वायरल। एसएसपी ने लिया संज्ञान। चौकी इंचार्ज अभिजीत कुमार को निलंबित और हेड कांस्टेबल मोतीचंद को किया लाइन हाजिर। पूरे प्रकरण की जांच सीओ लाइन को किया सुपुर्द। मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने संबंधित अधिकारियों के साथ किया कैंपियरगंज के बाढ़ प्रभावित गांवों का निरीक्षण। गांवों में फॉगिंग के साथ साफ सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के दिए निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि निदेशक ने द मिलियन फार्मर्स स्कूल किसान पाठशाला के अंतर्गत ट्रेनर्स मूल्यांकन की समीक्षा। कहा, ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा देने और पराली जलाने से किसानों को रोकने के लिए चलाएं जन जागरूकता अभियान। एसपी क्राइम की अध्यक्षता में संपन्न हुई किशोर न्याय अधिनियम जेजे एक्ट पर प्रशिक्षण के कार्यक्रम। एसपी क्राइम ने इंस्पेक्टर और उप निरीक्षकों को दिया प्रशिक्षण। कहा, बच्चों के मामलों को गंभीरता से ले पुलिस अधिकारी। मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में जनपद के सभी खंड विकास अधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों की बैठक हुई संपन्न। बाढ़ से हुई क्षति का मूल्यांकन करने के साथ मनरेगा में रोजगार उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। कहा, प्रशिक्षण देकर भी लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा रोजगार। हरतालिका तीज के अवसर पर सुहागिन महिलाओं ने पति की लंबी उम्र के लिए रखा निर्जला व्रत। परिवार में सुख समृद्धि व पति की लंबी उम्र की कामना। गुरुवार को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। अचानक छाए काले बादल, झमाझम हुई बारिश। मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट है जारी। आपदा विशेषज्ञ ने कहा, अगले 2 से 3 दिनों तक रुक रुक कर गरज चमक के साथ हो सकती है बारिश। बाढ़ प्रभावित गांवों में भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम के सहयोग से जिला प्रशासन द्वारा जनपद के 50 केंद्रों पर गुरुवार को 11,554 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 8,167 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 3,387 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, कोविड नियमों का पालन करते हुए अवश्य लगवाएं टीका जीत का। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ जिला इकाई के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन। कंपनियों द्वारा उनके उत्पादों पर मूल्य अंकित करने की मांग। गोरखपुर में गुरुवार को मिला एक नया कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,404। अब तक 849 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 13 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीकॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस और दोपहर की पाली में एमए फिजिकल एजुकेशन की प्रवेश परीक्षा सकुशल हुई संपन्न। 800 अभ्यर्थियों ने कराया था रजिस्ट्रेशन। 599 अभ्यर्थियों ने दी प्रवेश परीक्षा। 201 अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। और जनपद की तीनों राप्ती, रोहिन और घाघरा नदियों के जलस्तर में लगातार गिरावट जारी। राप्ती नदी अभी भी खतरों के निशान से 1.57 मीटर ऊपर। एडीएम फाइनेंस ने कहा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल कम्युनिटी टॉयलेट, भूसा वितरण, नावों से फॉगिंग और कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन का भी किया जा रहा है वितरण। राहत और बचाव कार्य है जारी। किसी को भी नहीं होने दी जाएगी कोई दिक्कत।